ललितपुर जिले की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं है। किस कारण से आखिरकार लगातार बिगड़ रही है यातायात व्यवस्था? जहां बेलगाम हो चुके लोग तो वहीं बेलगाम हो चुकी व्यवस्था देखने वाली प्रणाली, जहां पर रोक टोक पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आप देखिए किस प्रकार से ट्रैक्टर पर ओवरलोडिंग सरिया लेकर लोग निकल रहे हैं और फिर बीच रास्ते में इस प्रकार की अप्रिय घटना सामने आती है और दृश्य फिर इस प्रकार के हो जाते हैं। तो वहीं आम जनता ट्रैक्टरों में भर कर निकल रही है, जिसके कारण पूर्व में कई बड़ी घटनाएं हम और आपने देखी हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। कई बार मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के बोलने से क्या होता है? जिन्हें करना है, जिन्हें रोकना है, वो कब रोकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ ट्रैक्टर पलटा हुआ है तो दूसरी तरफ दूसरे ट्रैक्टर में जनता भरी हुई है और कहीं ना कहीं एक नए दुर्घटना को इशारा करती हुई नजर आती है। आखिरकार ये भरे हुए ओवरलोडिंग ट्रैक्टर कैसे सड़क पर चल रहे हैं, जहाँ एक तरफ जो है कि आम जनता भरी हुई है तो दूसरी तरफ ओवरलोड सरिया भरा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना को इशारा करता है, आमंत्रित करता है। ट्रैक्टरों में भरी हुई जनता और सड़कों पर इस प्रकार से ओवरलोडिंग चलते हुए ट्रैक्टर कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि हमारे जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। जनता को देख लीजिएगा, अगर इनके साथ कुछ हो गया तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? जिनके ऊपर जिले की यातायात व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी है, आखिरकार वो कहाँ हैं, कौन से बिल में छुपे हुए हैं, कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं?